तो दोस्तों मैं बहुत दिनों से सोच रहा था एक माइक्रोफोन अपडेट करने की, तो फाइनली ये है मेरा नया माइक जो कि है Zoom H1N, जो कि Zoom H1 का एक छोटा सा अपडेट है जो कि कंपनी की तरफ से नया रिलीज किया गया है। सो कुछ इस तरह से दिखता है, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा एक स्टैंड जो कि मैंने मंगाया था, तो नॉर्मल स्टैंड की तरह ही है, काफ़ी लंबी इसकी हाइट है, लगभग से 8-9 फीट के बराबर। सो 950 का है, 950 रुपये का, तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप परचेज कर सकते हैं। फिलहाल अनबॉक्स करेंगे इसको Zoom H1N को। और इसके पहले मैं माइक यूज़ करता था बोया BY-M1, इसकी भी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। और ऑफ़र चल रहा था यार, काफ़ी अच्छी डील मुझे मिल गई है, और 10% SBI कैशबैक, तो काफ़ी अच्छी डील हो गई ओवरऑल। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कैसा आपको माइक्रोफोन मिलता है। सो बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, और क्विक स्टार्ट गाइड यहाँ पे दी हुई है, और काफ़ी लंबी चौड़ी काफ़ी मोटी है। सो इसको आपको रीड करना पड़ेगा अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं Zoom H1N। और यहाँ पे आपको मैक्सेल की 2 AAA साइड की बैटरीज भी मिल जाती हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, और ये रिचार्जेबल नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने मेन कंटेंट की, तो ये है हमारा Zoom H1, और काफ़ी छोटा साइज़ है, इसको निकालते हैं यहाँ पे। सो ये जो है अपडेट कर दिया गया है Zoom H1 से, कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जो डिज़ाइन है वो काफ़ी चेंज कर दी गई है। अगर हम बात करें कुछ यहाँ पे पोर्ट्स की, तो सबसे पहले आपको मिल जाता है लाइन आउट पोर्ट, और इधर आपका वॉल्यूम प्लस और माइनस बटन, इधर आपको मिल जाता है एक माइक्रो SD कार्ड स्लॉट जहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड, साथ ही साथ आपका लाइन इन पोर्ट, और इधर आपका 2-3 बटन्स और मिल जाती हैं जो कि होल्ड है, और एक और बटन है, ये किस काम आती है, डिलीट के काम आती है, तो ये भी आप देख सकते हैं। माइक्रो SD पोर्ट आपको मिल जाता है इस बार, पिछली बार यहाँ पे जो बड़ा वाला माइक्रो SD फुल साइज़ था वो मिलता था, तो ऑडियो या डेटा केबल अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे सामने की तरफ कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एक LCD आपको मिल जाती है जहाँ पे आप देख पाएंगे क्या रिकॉर्ड हो रहा है, कितना टाइमिंग चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे इनपुट लेवल भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको बटन यहाँ पे मिल जाती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है, तो आप ऑडियो क्या रिकॉर्ड हुई है प्ले करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों की, तो सबसे ऊपर आपको दिखते हैं 2 माइक्रोफोन, तो ये एक स्टीरियो माइक्रोफोन है। रियर साइड में आपको एक ट्राइपॉड माउंट मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप रिमूव करेंगे इसके बैक कवर को, तो आपको 2 सेल लगाने पड़ेंगे जो कि AAA साइज के होंगे। तो दोस्तों अभी जो रिकॉर्डिंग आप सुन पा रहे हैं वो Zoom H1N से हो रही है, तो ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है आप बताइएगा। अभी यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह सब बेसिक हैं जो पहले से सेट था, जो इनपुट लेवल है वो 10 है। फिलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पे जो सेटिंग्स हैं वो सारी बेसिक हैं, जो इनपुट लेवल है वो 10 है, और यहाँ पे मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज नहीं की हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी लग रही है, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, सो वीडियो एडिटिंग के बाद मैं देखूंगा कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। सो दोस्तों अगर हम बात करें Zoom H1N की प्राइस की, तो लगभग से 6,000 रुपये में आपको मिलेगा Amazon.in पे, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल अगर हम बात करें अपने प्राइस की, मुझे कितने में पड़ा है, तो सेल में मैंने परचेज किया तो लगभग से 1,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मुझे मिला है, तो काफ़ी अच्छी डील मुझे मिल गई है। सो अगर आपको भी लेना है तो जरूर से ले सकते हैं, और बताइएगा ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में क्लिक कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपकी कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना हो। सो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में।